दोस्तों नमस्कार। और कहते हैं कि संगत से गुण होत है संगत से गुण जात, मतलब जिसके साथ जैसे रहिएगा वैसा बन जाइएगा। तो आज जो है 26 अप्रैल है, हमारे शादी का पूरा 10 साल पूरा हो चुका है, यानी 2 पंचवर्षीय कार्यकाल मैंने पूरा किया है वैवाहिक जीवन का। और पहला पंचवर्षीय कार्यकाल इस बीच में कभी सरकार भंग तो नहीं हुई है ना, तो चलेगा आगे, क्योंकि अगर हमारी सरकार गिरती तो नहीं चलती। तो दो कार्यकाल जो है हमने पूरा कर लिए हैं वैवाहिक जीवन के, 5-5 साल के, और ये मुखिया वाला तो हमारा पहला कार्यकाल चल रहा है। लेकिन एक बात मुझे कहना है आप लोगों से कि कहते हैं कि जिसके साथ जैसे रहिएगा वैसे बन जाइएगा या संगत से गुण होता है, तो मैंने सीखा है जैसे आपसे सीखा है, हाथ धोकर खाना खाना। पहले हम लोग जब नहा लेते थे और 1 घंटा बाद खाना खाना है तो हम फिर हाथ नहीं धोते थे, हम लोग सोचते थे आज तक नहाए किए हैं। लेकिन जब से शादी हुई तो मैडम ने बार बार टोका, हाथ धोए हाथ धोए हाथ धोए, तो हम हाथ धो धोकर खाना खाना सीख गए। अब तो ऐसा है कि कोरोना आने से बहुत पहले हम लोग सीख चुके थे। लेकिन ये भी होता है कि 2 मिनट पर ही, अभी जैसे मान लीजिए कुछ खाया और 2 मिनट बाद फिर कुछ खाने का मौका मिल रहा है तो फिर हम लोग हाथ धोने जाते पहले फिर खाते हैं। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि एक चीज मैंने आपसे सीखा, आपने हमसे क्या सीखा ये बताइए। नहीं सीखा बउआ रे पत्नी से खाली सीखी ही के पड़ता है दुनिया में। तो आप समझते होंगे कि हम 40 लाख विद्यार्थी को सिखाते हैं, अभी आपको प्रमाण मिला, चूंकि मैंने पहले से इनको नहीं बताया, अभी थोड़ा देर पहले मैंने इनसे कहा था कि वीडियो बनाते हैं, तो ये बोल रहे हैं कि क्या बोलना है, हम कि सिखाएंगे पहले नहीं जो क्या बोलना है। अगर ये हमसे कुछ सीखी हुई होती तो निश्चित है कि एकाएक बोल देती कि ये चीज़ सीखी नहीं, अब विचार कर रही है। लेकिन मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा कि आपने हमसे क्या एक सीखा, सोचेंगे नहीं क्या बताइए। एक वो कुछ करना है, कुछ करना लक्ष्य होना चाहिए ये सब, इसीलिए मेरा ही मन करता है मुझे कुछ करना है कुछ बनना है।